हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी चैनल। और जी, मैं अपने लास्ट वीडियो को मैंने जहाँ पे रोका था मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जो मेरा काम था ये बहुत वाकई में काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए, और ये मैं आ गई हूँ ट्राईपॉड लेने के लिए। एक्चुअली मैं इतने दिनों तक, अभी तक जितना भी मैंने अपने वीडियोज़ को शूट किया है वो विदाउट ट्राईपॉड किया है, और बहुत ही प्रॉब्लम मुझे आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी मुझे दिक्कत बिना ट्राईपॉड के। तो आई वॉज़ लुकिंग फॉर इट, लेकिन ऑनलाइन में अगर आप जाएँ तो ऐसे मैंने और ट्राई किया कि मैं ऑनलाइन से भी लूँ, और ये था कि ऑनलाइन की जो क्वालिटीज़ होती है वो आपको मालूम चलता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक एड्रेस मिला और यहाँ पे ये था कि मैं खुद से देख सकती हूँ इसकी क्वालिटीज़ और जो ड्यूरेबिलिटी है इसकी, लॉन्ग लास्टिंग फीचर्स है वो है या नहीं, वो सब कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही थी। इसके बगल में जो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, वो बहुत ही ज़्यादा वीक था। ये अराउंड 500 में मिल जाता, इवन ऑनलाइन में भी आपको 483, 460 ऐसे में मिल जाएगा, इवन 500 और 529 रुपीज़ में भी। लेकिन अगर आप देखें तो इसका स्टैंड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा दिन ये चलता नहीं। तो मैं बस वही सारी चीज़ों को चेक करके जो मुझे पसंद आया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं कहीं पे इसे रखकर शूट कर सकूं, तो मुझे इसके साथ ब्लूटूथ भी मिला है और जो रेंज भी है वो भी बहुत अच्छा मिल गया। तो अगर आपको जानना हो कि कहाँ से आप बैंगलोर में ट्राईपॉड ले सकते हैं और विद इन अ रीज़नेबल रेंज, तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊँगी कि कहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये मुझे किसी मेरे कलीग ने बताया था कि आप यहाँ ले, और रेट भी जो है वो काफ़ी रिजनेबल रहता है, पूरा जो सिस्टम है आपको बताएंगे और आप देख सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा स्टैंड लगा, स्टर्डी था ये और हैवी इन द सेंस था कि ये चलेगा। आपको खुद ही एक आइडिया मिल जाता है ना कि आप जब छू कर देखें तो। और ये भी मैंने एक मिनी सा स्टैंड लिया था, अच्छा जी। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ शॉप में, और बस मेरी नज़र पड़ी और मैं कोई वहाँ पे चली गई। तो यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस थे साड़ीज़ के, ड्रेसेस के, तो मेरी नज़र तो सिर्फ साड़ी पे ही जाती है क्योंकि मुझे उसी से काम होता है। तो अच्छे रेंजेस में थे, मीन आप 500, 600, 800, 1000 ऐसे रेंजेस में आपको, अगर आपको लेना हो तो आप मतलब ले सकते थे, ऐसा था। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ देख रही थी, और एक्चुअली मैं परचेस कुछ और करने के लिए आई थी, वो मेरा काम हो चुका है यहाँ पर। और बस यहाँ पे जो जितने भी साड़ी है वो मैंने थोड़ा सा मैं देखा उसकी क्वालिटीज़ को। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बताऊँगी आपको, जिन्हें नहीं पता हो कि एक्चुअली जो हम ये इस तरह के ड्रेसेस देखते हैं आजकल बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इनमें वो क्या बताते हैं कि कॉटन मिक्स है या फिर सिल्क की जो है लोअर क्वालिटी है। ये सारे जितने भी फाइबर्स हैं, जितने भी फैब्रिक्स जिस फाइबर से बने होते हैं वो सिंथेटिक फ़ाइबर होते हैं। मतलब कि यहाँ इसमें कुछ भी नेचुरल फाइबर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, मीन जैसे कि कॉटन है या सिल्क फॉर्म से बना हुआ सिल्क जो होता है, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर बताऊँ मैं कि अगर जो रेयॉन का कपड़ा होता है वो एक्चुअली बना होता है वुड पल्प से, तो जो पल्प होता है वुड का उसके पल्प से बना होता है। तो हम नाउडेज जो है वी आर वेयरिंग दिस काइंड ऑफ अ क्लोथ्स। और अगर नायलॉन की बात करें तो नायलॉन में तो सीधा का सीधा कोल, वाटर एंड एयर होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, दैट्स वाई यही रीज़न होता है कि ये जो है मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इनके रेट्स बहुत चीप होते हैं। और ये है कि ये सिंथेटिक फ़ाइबर है तो इसलिए इसे बनाना भी आसान होता है। लेकिन ये है कि आप ध्यान दें कि ऐसे चीज़ों को एक्चुअली जो है वो अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और यहाँ पर बस मैंने वो देखा, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आज मैं अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे एप्पल लेने के लिए, कुछ फ्रूट्स लेना था तो यहाँ पे एप्पल दिखा तो एप्पल ले रहे हैं। एप्पल कितने मुझे अराउंड 100 रुपीज़ केजी का था ये, और अच्छे क्वालिटी का भी था। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया 2 केजी। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो छोटी मोटी शॉपिंग की और जो मेरा मेन काम था वो तो हो गया। तो ये रहा, जब मैं अपने घर पर आके मैंने अपने ट्राईपॉड को सेट किया तो कुछ इस तरह का ये था। अच्छा जी, तो ये सुबह का वक्त है, नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और
मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। आज नाश्ते में कुछ बनेगा स्पेशल, तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ मसाला वाला लच्छा पराठा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे रोटी को बेला है, रोटी को मैंने बना लिया और उसके बाद थोड़ा घी लगाया, घी के ऊपर लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च मैंने कुटा हुआ लिया है, और अजवाइन है इसमें, कसूरी मेथी है, सॉल्ट है और घी, घी डाला था सबसे पहले मैंने। और इस तरह से इसे मैंने कोन के शेप में फोल्ड कर लिया और ऐसे वैसे मैंने प्रेस कर लिया। और बस ये तो थोड़ा सेट करना है, जस्ट इसे अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना कि प्रेस अच्छे से हो जाना चाहिए। तो बस जो भी घर में आपकी चीज़ें होती हैं उससे ये बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार। मेरे बच्चे तो खा कर पूरे के पूरे ऐसे हो गए थे कि उन्होंने कहा कि मम्मी बस अब नहीं, और अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखिए ऐसा कुछ बनकर आ जाता है और इसकी लेयर्स इतनी अच्छी निकलती है, इतना अच्छा लेयर्स बनता है इसके ऊपर, तो वो बनना बहुत ज़रूरी है। और इसे मीडियम आँच में एक्चुअली आप इसे पलटे, धीरे धीरे धीमे धीमे आँच में पलटे और अच्छे से इसमें घी या जो भी आप अगर बटर लगाते हैं तो वो लगाएँ। तो फिर से ध्यान रहे कि मैंने इसमें डाला था अजवाइन, लाल मिर्च का पाउडर, कूटे हुए लाल मिर्च डाला था मैंने, कसूरी मेथी, सॉल्ट और घी के साथ मैंने इसे स्प्रेड कर लिया था। अभी देखिए कितना अच्छा ये बन रहा है, क्रिस्पी सा बन रहा है, पूरे लेयर्स जो है इसके पे अच्छे से आ जाएंगे। तो ये मैंने बच्चों के लिए बनाया था नाश्ता और ये काफ़ी ज़्यादा इनफ हो जाता है, अगर आप दो खा लें तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैंने इसमें जो आटा यूज़ किया है वो गेहूँ का आटा है, तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या सब इस तरह से तो आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है इसकी। तो ये मैं बच्चों को बना बना कर दे रही थी और इसका जो लेयर्स है वो मैं दिखाती हूँ कि कैसे ये आता है। ये ऐसे कुछ जब बन जाए तो थोड़ा सा इसे आप स्क्वीज़ कर ले और ये लेयर्स, एक एक लेयर आ जाता है और बहुत ही चटपटा बना था। आप चाहे तो उसमें आमचूर का पाउडर या थोड़ा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अब इसमें मैं बना रही हूँ एक्चुअली आलू की ग्रेवी, साथ में आलू बना रही हूँ। तो मैंने इसमें सबसे पहले तेल डाला था, ज़ीरा डाला और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके फ्राई होने के बाद अब यहाँ पे अगेन मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, कसूरी मेथी मैंने डाला है इसमें और साथ में फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है और इनको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से, ज़ीरा पाउडर को पूरा मिलाकर थोड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए, सोंधी सोंधी सी खुशबू आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे मैंने जो साइड में आलू को पूरा क्रश करके बॉयल आलू रखा था वो यहाँ पे मैं इसे ऐड कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा, आप इसे ट्राई करें और सॉल्ट दे दें। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी मैंने डाला था और सबको आप अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर के लिए इसे आपको कढ़ाई में इस तरह से भूनना है। ये भूनते भूनते सा कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे अभी डाला है आमचूर का पाउडर, जो ही बचे मसाले थे मैंने उनको ऐड कर दिया है और बस ये धीमे धीमे पकेगा और साथ ही साथ फिर मैं अपने पराठे को बनाते जाऊँगी और बच्चों को नाश्ता निकाल कर दूँगी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप बनाएं इसे। तो ये मेरा एक मैंने नाश्ते में बनाया था बच्चों के लिए। तो जब भी मुझे मौका मिलता है अपने बच्चों के लिए मैं ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ नया उनके लिए बनाती रहती हूँ। तो नाश्ता यहाँ पे बन चुका, मेरे बच्चे नाश्ता एक साथ दोनों बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अब इनको देने के बाद अब आएगी मेरी बारी, मैं भी बैठ कर नाश्ता करूँगी क्योंकि टाइम तो लगता है किसी भी अच्छे काम को करने के लिए, किसी भी मज़ेदार और टेस्टी चीज़ों को बनाने में टाइम तो आपका ज़रूर ज़रूर जाता है। और साथ में मैं यहाँ पर अभी लग गई हूँ चाय बनाने के लिए, थोड़ा सा मैं चाय बने लिए बनाऊँगी। जब घर पे रहती हूँ तो कभी ऐसा लगता है कि चलो चाय बनाकर भी पीते हैं। यहाँ पे चाय मैं बना रही हूँ, पराठा, चाय और आलू की सब्ज़ी मैं साथ में खाऊंगी और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत अच्छा बना था। तो चलिए मैं आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।